हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्री हार्वेस्ट के टाइम मैं कौन सा स्प्रे अपने एप्पल ऑर्चर्ड में करता हूँ, उससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो मेरा शेड्यूल है वो क्या रहता है स्प्रे करने का सेब तोड़ान से कुछ एक 20-25 दिन पहले का। तो एक मैं करता हूँ मैरीवॉन, ये एक बहुत ही अच्छा फंजीसाइड मुझे लगा जो अल्टरनेरिया वगैरह हमारी लीव्स में लगता है उसके लिए एक बहुत ही कारगर है उसको कंट्रोल करने के लिए। और मैं करता हूँ यारा का स्टॉपिट, इसमें प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जो कि एक फ्रूट की जो क्वालिटी है उसका ठोसपन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह है हमारा यारा वालों का स्टॉपिट प्रोडक्ट जिसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और ये हमारे जो एप्पल का ठोसपन है उसकी जो एप्पल की स्किन है उसमें टाइटनेस लाता है, तो कैल्शियम की वजह से बेसिकली वो आता है। तो इसमें देख सकते हो आप कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैं ऐड करता हूँ, 200 ml ऐड करता हूँ मैं इसे अपने 200 लीटर टैंक में जो स्प्रे के लिए मैं यूज़ करता हूँ टंकी। और जो ये है मैरीवॉन, ये है अल्टरनेरिया और मार्सोनीना वगैरह जो डिज़ीज़ लग जाती है जो पत्ती वगैरह में लीव्स वगैरह में, उसको क्योर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका भी। तो ये मैं ऐड करता हूँ 50 ml, मैरीवॉन हो गया 50 ml और ये हो गया 200 ml। इसकी स्प्रे मैंने एक पीछे भी की थी कोई 20-25 दिन पहले की थी, तो उसमें मैंने 400 ml किया था, पर अब थोड़ा कम मैं ऐड कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ मैं 200 ml और ये 50 ml। तो इसके साथ साथ इन दोनों के साथ साथ आपने यूज़ करना है स्टिकर, 80 ml डाल सकते हो आप स्टिकर, ताकि अगर आजकल बरसात का सीज़न है तो अगर आप स्टिकर ऐड करोगे तो ये जो दवाइयाँ हैं जैसे कि स्टॉपिड और ये हो गया मेरी, वो ये चिपकी हुई रहेगी और असर भी जल्दी कर लेगी। तो ये है जी मेरा शेड्यूल स्प्रे का, प्री हार्वेस्ट शेड्यूल।